नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने से चूकना नहीं चाहते। हालांकि एनएसए अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री से बात के बाद चीन के सैनिक पीछे हट रहे, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ नहीं रहे। मोदी सरकार पर ट्विटर के जरिए लगातार हमला कर रहे राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए सरकार से कुछ सवाल पूछे, जिनमें भारत और चीनी विदेश मंत्रालय के अलग बयानों को भी शामिल किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रहित सबसे पहले, भारत सरकार का फर्ज है कि इसका पालन करें, लेकिन पहले जैसा स्टेटस स्थापित करने को क्यों नहीं कहा गया? चीन ने हमारी जमीन पर 20 जवानों की हत्या कर दी, उसे इसकी सफाई देने का मौका क्यों दिया गया? और भारत के बयान में गलवान घाटी की संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं? इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हीं सवालों के साथ भारत और चीन के द्वारा जारी किए गए बयानों की तस्वीरें भी डाली। इनमें चीन के बयान के एक हिस्से को हाईलाइट किया गया। इस बयान में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है, गलवान घाटी में क्या सही हुआ है और क्या गलत, इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ है। चीन अपने क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा करेगा, इसके साथ साथ बॉर्डर पर शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। आपको यह बता दें कि भारत और चीन के बीच बीते कुछ समय से गलवान घाटी पर टेंशन बढ़ रही थी। भारत और चीन के बयानों में भी अंतर था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की थी। इसी बातचीत में एलएसी पर सेना को पीछे हटाने पर सहमति बनी। चीन ने इसी के बाद अपनी सेना को 2 किलोमीटर तक पीछे हटा लिया।